हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी अरेबियन टी20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहां पर दुबई जिमखाना वर्सेस इंटरनेशनल वॉरियर के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर CBFS T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ मलेशिया T20 के वीडियोज, यानी कि मलेशिया T20 शुरू हो गया तो उसके मैचेस की भी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 10:30 पर ICC एकेडमी दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग फ्रेंडली है, अच्छे रन बनते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे रन बनते हैं, इवन 200 के आंकड़े भी कई बार पार हो चुके हैं। तो एवरेज हम लोग 150 के प्लस आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है, तो 150 के प्लस स्कोर मान के हम लोग चल सकते हैं। चेजिंग के आंकड़े इक्वली है, तो टॉस इतना कुछ खास मायने रखेगा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम DGA की, तो DGA के ओवरऑल रिकॉर्ड्स जो थे यहाँ से एमिरेट्स T20 के थे, जो कि खेली गई थी यहाँ पर जून मंथ 2022 के अंदर, तो उसके थे। और अभी के मैचेस की बात करूँ तो लास्ट मैच वो खेली और हार के आ रही है। ओपनिंग में ऐसे सैयद आशिर हसनैन और यहाँ पर मोहम्मद हसन तनवीर दोनों ने ओपनिंग किया। आशिर हसनैन की बात करो तो इनका नाम आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा, हालांकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करवा लेते हैं, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन यहाँ पर कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के लिए बढ़िया पिक है ऐसे सैयद आशिर हसनैन, इनको डेफिनेटली हमें एज अ प्लेयर लेके भी जाना, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी एक अच्छी चॉइस बनेगी हमारे लिए। हसन तनवीर भी एक अच्छी पिक है यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, हालांकि लास्ट मैच में इतना कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस दिया नहीं। इससे पहले इन्होंने एमिरेट्स T20 जो खेली थी वहाँ पर भी इतने कुछ खास अच्छे टच में नहीं थे, बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, हालांकि एक बार इन्होंने 3 विकेट जरूर निकाली थी। तो यही बेसिस पर हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एज अ प्लेयर हमें इनको लेके जाना है। मोहम्मद असलम शहजाद की बात करो तो ओवरऑल करीबन 43 की एवरेज से 23 मैच के अंदर 904 रन किए हुए, साथ में यहाँ पर 13 विकेट्स भी निकाले, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करवा सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर ओवर्स करवाते हैं, हालांकि लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने ओवर्स नहीं करवाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 मैच के अंदर 83 ओवर्स की गेंदबाजी करवा चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से 1-2 ओवर्स कभी भी टीम को जरूरत पड़ी थी ऐसे 1-2 ओवर्स निकाल सकते हैं। सैयद हसनैन रजा की बात करो तो ये ओके रहेंगे, इनको बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई करिएगा, इनके बॉलिंग से इतना कोई खास आंकड़े हैं नहीं, मिक्सिंग आंकड़े नहीं है। बैटिंग की बात करो तो करीबन 27 के एवरेज से 27 मैच के अंदर 532 रन किए, तो बैटिंग से अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर। 16 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, तो बैटिंग जो है चौथे नंबर पर पांचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, तो आप लोग डिफरेंशियली में इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी रहमान गुल आपकी टीम के अंदर चाहिए, देखो रहमान गुल की बात को तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन इनका नाम आपको दिखेगा विकेट बॉलिंग सेक्शन से, हालांकि ये विकेट कीपिंग भी करवा सकते हैं और 27 मैच के अंदर 22 विकेट भी निकाल चुके हैं, तो टीम को जब भी जरूरत पड़ी तो उनकी पोजीशन वहीं पर डिस्कस की जाएगी कि देखो ये क्या है ना, यहाँ पर बॉलिंग विकेट कीपिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आई थिंक मैं टॉस के बाद आपको अपडेट करवा दूंगा कि कौन सा प्लेयर यहाँ पर विकेट कीपिंग करवा रहा है। तो रहमान गुल की बात करो तो रहमान गुल वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन से दिखेंगे और इनको आप लोग लेके जा सकते हैं। वकास अहमद खान को ज़्यादातर पब्लिक कैप्टन वाइस कैप्टन करती हुई आ सकती है, तो ये डेफिनेटली अच्छी पिक है, इनको डेफिनेटली हमें लेके जाना है। सजद तलत की बात करो तो बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी नीचे गिरा, हालांकि ये ओपनिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने मैचेस देखी थी वहाँ पर इन्होंने ओपनिंग करते हुए मुझे दिखाई दिए गए थे, तो हो सकता है कभी भी टीम को जरूरत पड़ी थी ओपनिंग में भी आ सकते हैं। तो ऐसे तलत को डिफरेंशियली में ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई करेगा। यहाँ से आप लोग डिफरेंशियल में अदनान कैसर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवाएगा। देखो एमिरेट्स D20 की भी बात करो तो यहाँ पर भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि पहली मैच के अंदर 0 विकेट लेने के बाद दूसरी मैच के अंदर बंदे ने 2 विकेट निकाली थी, तो ऐसा कुछ लॉजिक आप कैसर के ऊपर निकाल सकते हो। ओवरऑल 17 मैच के अंदर 23 विकेट निकाला हुआ प्लेयर है, तो कभी भी ऐसे 2-3 विकेट निकाल सकता है। वरुण अनिल अरोरा की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर विकेटलेस रहा और इतना कुछ खास मुझे इनका परफॉर्मेंस लगा नहीं, ओवरऑल काफ़ी अच्छे आंकड़े इनके 25 मैच के अंदर 33 विकेट है, भरोसा
चेक करना चाहो तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल रिकॉर्ड से कभी ना कभी यहाँ से एक से दो विकेट लेते हुए नजर आएंगे। यासीन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। एम सिहान की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, हो सकता है अगली मैच के अंदर भी ऐसे दो से तीन ओवर्स की तो मिनिमम ओवर्स की गेंदबाजी करवाएंगे। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे सैयद हसनैन के साथ ऐसे टी यासीन और डेथ ओवर्स में अरोरा के साथ टी यासीन डेथ में डालेंगे। तो टी यासीन वेरी इंपॉर्टेंट पिक है इस टीम की, बात करो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप लोग इनको करोगे। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करें ऐसे टीम INW की तो वो भी एक मैच खेली और हार के आ गई है। ओपनिंग में कौन है यहाँ पर, थरंगा जया सिंघे और हसीब लसारी दोनों ने ओपनिंग करवाए। अभी देखो थरंगा जया सिंघे की बात करो तो इनके बारे में इंपॉर्टेंस बात वही है कि लास्ट मैच के अंदर इनका नाम ऐड हुआ नहीं था ड्रीम इलेवन में और अभी ऐड हुआ है, तो इनके पॉइंट्स जो है ड्रीम इलेवन के अंदर आपको दिखेंगे जीरो, तो ज़्यादातर पब्लिक उनको लेके जाने वाले नहीं है। लेकिन जो लोग वीडियो देख के आएंगे, मेरा हो या किसी का भी जो भी वीडियो देख के आएंगे, वही लोग इनको ले सकते हैं, तो आप लोग का बेनिफिट वहाँ हो सकता है। तो एज अ प्लेयर के साथ आप लोग इनको भी उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। मेरे स्मॉल के कैप्टन आई थिंक मैं यहाँ पर थरंगा जया सिंह को करते हुए जा सकता हूँ। लसारी को एज अ प्लेयर लेना है, 38 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, ओवरऑल करीबन 28 के एवरेज से 17 मैच के अंदर 421 रन किए हुए, इंपॉर्टेंट पिक है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। थेनोस स्टैन एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए भी एक अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर भी हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने लास्ट मैच का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दिया है, भरोसा कायम कर सकते हैं इनके ऊपर। समय मिश्रा ओके रहेंगे, हालांकि इनके भी ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, 34 मैच के अंदर करीबन 31 के एवरेज से 671 रन है, 7 मैच है 26 विकेट है। देखो इनको डिफरेंशियल में थोड़ा सा पंट प्लेयर के रूप में शामिल करना है आपको समय मिश्रा को। बाकी वरुण कुमार की बात की जाए तो वरुण कुमार ओके रहेंगे, ऐसे डेलन स्टाउटर को लेने का कोई खास मतलब बनेगा नहीं। वैसे इन्होंने लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर्स की गेंदबाजी जरूर की थी लेकिन विकेट ले रहे थे, तो इनको डिफरेंशियल में रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक हर एक मैच के अंदर फुली ओवर्स करवा सकता है। थिलाका हेट्टी की बात करूँ तो विकेट कीपर बल्लेबाज है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, ओवरऑल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हो सकता है बैटिंग से इनको ऊपर प्रमोट किया जाए, लेकिन अभी के लिए इनको स्मॉल लीग में लेके जाना काफ़ी रिस्की रहेगा। शमीम अली वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन आप लोग चाहे तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बंदा उस लेवल का प्लेयर है जो कि कभी भी 2 से 3 विकेट निकाल सकता है। रंजीत नायर को अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद नहीं है। निजाकत अली की बात करो तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं, हालांकि करीबन 80% से भी ऊपर इनका सिलेक्शन है निजाकत अली का। और बात करें यहाँ पर सयान खान की, सयान खान को भी लेने का कोई खास मतलब बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहेंगे ये भी। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर शमीम अली और डी स्टाउटर स्टार्ट करेंगे, डेथ ओवर्स में से टी जया सिंघा के साथ या से एस अली डेथ में आएंगे। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ऐसे सैयद हसनैन रजा को मैं लेके जा रहा हूँ, निजाकत अली का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहा था। बैटिंग सेक्शन में ऐसे वकास अहमद खान इनके साथ ऐसे एस थिलाका हेट्टी इनके साथ ऐसे टी जया सिंघे एच लसारी और यहाँ पर मोहम्मद तनवीर हसन को मैंने लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, या से थिलाका हेट्टी को ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, इनकी जगह पर किसी एक बॉलर को ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे। आई थिंक शायद मैं यहाँ पे थिलाका हेट्टी की जगह पर या से मोहम्मद असलम को लेना पसंद करूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे टी स्टेन और यहाँ पर एस आशीर हसनैन हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो टी यासीन एस अली और इनके साथ ऐसे आर गुल हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। अदर ऑप्शंस की बात करो तो ऐसे अदनान कैसर अच्छी ऑप्शन है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी टीम की बात करो तो टीम मेरी कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन रहेंगे हमारे ऐसे टी जया सिंह के, वाइस कैप्टन ऐसे डब्ल्यू अहमद खान रहने वाले। ऑप्शंस की बात करो तो टी स्टेन जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। यहाँ से तनवीर हसन भी एक अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर भी भरोसा कर सकते हो, ये भी एक अच्छे बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। बाकी टी यासीन है नीचे से, इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेयर है जिनको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अभी के लिए मेरी टीम की बात करो तो कुछ इसी तरह से रहेगी। याद रहे कि जो टीम है ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है, फाइनल लाइन के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनके अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है,
है, साथ ही में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करें, इसके साथ साथ यहाँ से CBFS T20, इसके साथ साथ यहाँ से मलेशिया T20 भी शुरू हो गया, तो उसके मैचेस के भी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।